दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजन शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइनें बना के बताऊँगा, तो पहले इन आउटलाइनों को देखें, उसके बाद में इनको बनाने का प्रयास करें। और यदि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आती है, स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, गलतियों को कम कैसे किया जाए, और यदि आप शॉर्ट हैंड लिखना अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें हमारी सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासें कैसे ज्वाइन करनी है। अभी जो शब्द हैं इनको मैं आपको बना के बता रहा हूँ शॉर्ट हैंड में, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। पहले देखें, मामूली तौर से इस तरह से बनाएंगे, मामूली तौर से। आगे है मामूली तौर पर, मामूली तौर पर। इसके बाद में है मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। इसके बाद में है मुख्य तौर से, मुख्य तौर से। इसके बाद में है आम तौर पर, आम तौर पर। आगे है आम तौर से, आम तौर से। इसके बाद में है निजी तौर से, निजी तौर से। आगे है निजी तौर पर, निजी तौर पर। के बाद में है सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर। इसके बाद में है सामान्य तौर से, सामान्य तौर से। आगे है खास तौर पर, ऐसे बनाएंगे खास तौर पर। इसके बाद शब्द है खास तौर से, खास तौर और इसी। आगे है व्यक्तिगत तौर पर, इस तरह से बनाएंगे व्यक्तिगत, इसको बड़ा कर देंगे और ये तौर पर, ये हो गया व्यक्तिगत तौर पर। इसके बाद में है व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत तौर से। आगे है सांप्रदायिक तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर। इसके बाद में है सांप्रदायिक तौर से, सांप्रदायिक तौर से। इसके बाद में है साफ तौर पर, साफ तौर पर। आगे है साफ तौर से, साफ तौर से। इसके बाद में शब्द है आधिकारिक तौर से, आधिकारिक तौर से। लास्ट में है आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड की गति बढ़ेगी और गलतियां कम आएंगी। शॉर्ट हैंड लिखने का सबसे आसान तरीका है शॉर्ट हैंड में दिए गए डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइनें बनाएँ, उन आउटलाइनों की
अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि वो आपको अच्छे से ना आ जाए। इसके बाद में आप डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। डिक्टेशन को शुरुआत में सीन करने का प्रयास करें, यानी कि डिक्टेशन को कम से कम 5 से 7 बार उसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखें। इस प्रकार से यदि आप डिक्टेशन लिखते हैं, यानी डिक्टेशन लिखने की शुरुआत करते हैं, तो आपकी स्पीड निरंतर बढ़ेगी। और यदि इसके बाद भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, गलतियाँ कम नहीं हो रही हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं, आप ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी है, ऑनलाइन क्लासों में आपकी परेशानियां दूर की जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।